नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। दोस्तों, इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार सरकारी नौकरियों से संबंधित डेली बेसिस पर उपलब्ध कराए जाते हैं। उसी क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC के द्वारा CPO, सब इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय आर्म पुलिस फोर्सेज के अंतर्गत नई भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वैकेंसी हैं 4187। संपूर्ण जानकारी पदों से संबंधित वीडियो के दौरान उपलब्ध होगी, इसलिए वीडियो को जरूर अंत तक देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। आपको बता दें, ये एक रिमाइंडर वीडियो है, क्योंकि इस पर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं। ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने अभी आवेदन नहीं किया है, जिनको अभी इन पदों के बारे में पता नहीं है। तो आप भी अगर इन पदों के लिए आवश्यक शैक्षिक क्वालिफिकेशन रखते हैं तो हमारे साथ इस पद वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हैं SSC के द्वारा जारी किया एडवर्टाइजमेंट यहाँ दिया गया है। लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने की 28 मार्च तक, और लास्ट डेट है ऑनलाइन फीस पेमेंट करने की 29 मार्च, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन या सुधार कर सकते हैं 30 मार्च से लेकर 31 मार्च 2024 रात के 11 बजे। कंप्यूटर आधारित जो एग्ज़ाम होगा उसकी तिथियाँ यहाँ पर 9, 10 और 13 मई 2024 दी गई हैं। सब इंस्पेक्टर GD इन CAPF, यहाँ पे स्केल वेतन आयोग लेवल 6 में 35,400 से 1,12,400 रुपये होगा। ये पद ग्रुप बी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल है। दूसरे पद हैं सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए दिल्ली पुलिस के अंतर्गत। वेतनमान वही है, ग्रुप सी के पद हैं ये। टेंटेटिव वैकेंसी जो है यहाँ सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस मेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल पद हैं यहाँ पर आप देखेंगे 125, जिनमें से आप यहाँ देखेंगे ओपन हैं 101, एक्स सर्विसमैन के साथ हैं, स्पेशल एक्स सर्विसमैन 5 हैं, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के पद हैं। इसी तरह सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव दिल्ली पुलिस फीमेल कैंडिडेट्स के टोटल 61 पद हैं, जबकि सब इंस्पेक्टर GD केंद्रीय आर्म पुलिस फोर्सेज के अंतर्गत 942 पद हैं, 992, माफ कीजिए, 892 पद हैं। BSF के अंतर्गत CISF में 1,570 हैं, CRPF में हैं 1,172, 278 ITBP में, SSP में हैं 62 पद। टोटल पदों की संख्या यहाँ पर 4,001 है। इन पदों के लिए आवेदक की जो नेशनलिटी है, आवेदक भारत, नेपाल, भूटान या तिब्बत का रहने वाला होना। आयु सीमा 1 अगस्त 2024 के आधार पर यहाँ पर जारी की गई है, 20 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में जो छूट दी जाएगी, SC ST को 5 साल, OBC NCL को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक की छूट होगी। विडो डाइवोर्सी वोमेंस और जुडिशली सेपरेटेड वोमेंस को 35 साल की एज तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जबकि SC ST इसी कैटेगरी की 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 30 साल तक की आयु रखी गई है, OBC कैंडिडेट्स के लिए 30 साल और डिपार्टमेंटल SC ST कैंडिडेट के 35 साल की आयु रखी गई है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो आपको बता दें ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि, माफ कीजिए, 1 अगस्त 2024 के आधार पर सभी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हैं आवेदक के पास होनी चाहिए फिजिकल रूप में। आवेदक बैचलर डिग्री आवेदक ने किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हासिल की हो। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 100 रुपये रखी गई है जनरल OBC EWS वर्ग के कैंडिडेट को, जबकि सभी वर्गों की महिलाओं SC ST एक्स सर्विसमैन कैंडिडेटों को यहाँ पर कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। फीस पेमेंट ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से किए जा सकते हैं। अन्य माध्यम से भेजी गई एप्लीकेशन फीस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस आप 29 मार्च 2024 रात के 11 बजे तक कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट आपको एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आप अपनी मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर दे सकते हैं। हम बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो आपको बता दें इन पदों के लिए जो एग्जामिनेशन प्रक्रिया होगी, चयन प्रक्रिया होगी, इसमें पेपर फर्स्ट, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड PEST और PET, उसके बाद पेपर सेकंड कंडक्ट करा जाएगा, और मेडिकल एग्जामिनेशन DME कंडक्ट किया जाएगा हर वर्ग के कैंडिडेट्स को। पेपर फर्स्ट का जो
स्कीम है, यहाँ चार पार्ट होंगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजन पर 50 प्रश्न होंगे, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस पर 50 प्रश्न होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल कॉम्प्रीहेंशन पर 50-50 प्रश्न होंगे, 50-50 दो घंटे का टोटल समय मिलेगा। पेपर सेकंड जो होगा इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन का होगा, ये 200 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय, अधिकतम अंक यहाँ पर 200 अंक होंगे और 200 यहाँ पर माफ़ कीजिए दो घंटे का समय दिया जाएगा। सभी जो पेपर होंगे पेपर वन एंड टू मल्टीपल चॉइस होंगे, बहुविकल प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी इंग्लिश में, केवल हिंदी इंग्लिश सेक्शन को छोड़कर वो हिंदी या इंग्लिश में ही मिलेंगे। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होगी, हर गलत उत्तर देने पर 0.25 या 1.4 मार्क पर काट लिए जाएंगे। यहाँ इंडिकेटिव सिलेबस आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का दिया गया है, पेपर फर्स्ट का और पेपर सेकंड का, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। डिटेल जो सिलेबस है उसको एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST और PET जो होगा, PST के अंतर्गत मेल कैंडिडेट्स के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट है और चेस्ट अनएक्सपेंडेड 80 और एक्सपेंडेड 85 सेंटीमीटर, पहाड़ी क्षेत्र के कैंडिडेट्स को हाइट 165 सेंटीमीटर और चेस्ट की कंडीशन सेम है, ऑल कैंडिडेट्स ट्राइब कैंडिडेट्स को 162 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है और चेस्ट 77 और 82 एक्सपेंडेड हो, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 157 और फीमेल कैंडिडेट जो कि गढ़वाली या पहाड़ी क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको 155 सेंटीमीटर और एस टी वर्ग की महिलाओं 54 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट PET के अंतर्गत सभी पदों के लिए मेल कैंडिडेट्स को 100 मीटर की रेस 16 सेकंड में, 1.6 किलोमीटर की रेस 6.5 मिनट में और लॉन्ग जंप 3.65 मीटर 3 चांस दिए जाएंगे, हाई जंप में 1.2 मीटर 3 चांस दिए जाएंगे, शॉर्ट पुट के लिए 16 LBPS 4.5 मीटर फेंकना होगा, इसके लिए 3 चांस मिलेगा। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 100 मीटर रेस 18 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी, 800 मीटर की रेस 4 मिनट में, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर 3 चांस दिए जाएंगे, हाई जंप के लिए 0.9 मीटर 3 चांस दिए जाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जो कि PST और PET को क्वालिफाई कर लेंगे उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है जिन्हें आपको ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए ले जाना होगा। तो दोस्तों पदों से संबंधित अधिकतम जानकारी के लिए आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को जरूर देखें, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस और कैप्स के अंदर। तो दोस्तों आपने भी अगर इन पदों के लिए अभी तक आवेदन नहीं किया है या आपको इन पदों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी तो अब इस पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको जल्दी ही इन पदों के लिए आवेदन करने हैं क्योंकि 28 मार्च ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म और 29 मार्च तक अपनी एप्लीकेशन फीस को आप जमा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी जरूर लगी होगी, जानकारी आपके काम की लगी होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल पर पहली बार आएँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जरूर दबाएँ। चलिए मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।